इमरान खान ने अपने एक वजीर से खुद खत लिखवाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा, कहा ये कुर्सी से चिपककर हर एक पर हमला कर रहे हैं। इमरान खान, आपने अपनी इनिंग्स खेल ली, आपको शिकस्त हो गई। इमरान खान के पास वाहिद बाइज्जत रास्ता इस्तीफा देना है। मुल्क के ईवानों में धमकी आमेज खत के चर्चे, वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास जारी। इजलास में मुशीर कौमी सलामती मोइन यूसुफ, विफाकी वुज़रा शेख रशीद, परवेज खटक, हमाद असर और शौकत तरीन शरीक, तीनों मुसल्ला फौज के सरबराहान की भी शिरकत। धमकी आमेज खत पर शुरका को ब्रीफिंग, इजलास में कौमी सलामती के दीगर अमूर पर भी गौर। पार्लियामानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास, स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत शाम 6 बजे तलब। इजलास में खुफिया मरासले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कमेटी मेंबरान के अलावा तमाम पार्लियामानी रहनुमाओं को भी शिरकत की दावत। मुतहदा अपोजिशन की पार्लियामानी पार्टी का इजलास जारी। पार्लियामानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास पर मुशावरत, पार्लियामानी पार्टी को मुतहदा अपोजिशन इजलास के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। अमरीकी महकमे खारिजा ने तहरीकी अदम एतमाद के हवाले से पाकिस्तान को धमकी आमेज मरासले में मुलविस होने की तरदीद कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी महकमे खारिजा ने खुफिया मरासले के हवाले से दावों और इल्जामात को गलत करार दिया है। कहा धमकी आमेज खत के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, पाकिस्तान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत और आईनी अमल का एहतराम करते हैं। वजीर आजम इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का भी ट्वीट, आज रात वजीर आजम के कौम से खिताब की तस्दीक कर दी। कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर में शुरू होगा। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तहरीके अदम एतमाद पर बहस का आगाज करेंगे। स्पीकर कम अज कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक बहस करा सकते हैं। तहरीके अदम एतमाद एजेंडे में चौथे नंबर पर मौजूद। इजलास में भरपूर गर्मा गर्मी का इम्कान। फ्राश टाउन इस्लामाबाद में दिलखराश वाकया, एक मां ने अपने ही 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। खुदकुशी की भी कोशिश, तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक बच्चों को घरेलू झगड़ों के बायस कत्ल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियात इंतखाबात का दूसरा मरहला, पोलिंग का अमल जारी। सूबे के 18 अजला में 29,338 उम्मीदवार मैदान में हैं। तहसील मेयर और चेयरमैन की नशस्तों के लिए 651 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी, सिक्योरिटी के कड़े पहरे। ईंधन की कमी और पावर प्लांट्स में तकनीकी खराबी, मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट तक पहुंच गया। पानी की कमी के बायस डैम से बिजली की पैदावार में भी कमी। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे हो गया। बिजली की कीमत के साथ लोड शेडिंग में इजाफा, इंतजामी नाहली और नालायकी की इंतहा है। शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में इजाफे पर रद्देमल, कहा ये इकदाम क्यामत खेज महंगाई की शिद्दत और बढ़ा रहे हैं। और कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी बढ़ गई। महकमा मौसमियात की पारा 40 से 42 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। मुल्क भर के मैदानी इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में कराची और मिट्टी 43, शहीद बेनजीर बाग, लिस्बेला, रहीम जार खान और सीबी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बगरौट और गलगित में हल्की बारिश हुई।